आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सी धौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है। गर्व की बात है कि वर्ष 2019-23 की अवधि में आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कार्यकुशलता और निष्पक्ष प्रवृत्ति से इस सदन की कार्यवाही का संचालन प्रभावी रूप से करेंगे। इससे हमारी लोकतंत्र परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। आपका 30 वर्षों से भी अधिक समय का एक जनसेवक के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव है। अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस लगन के साथ किया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण गोंडा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्ष 2004 में आपके द्वारा इस क्षेत्र के सभी 104 गांव की 375 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके एक एक गांव की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की है। तब से लेकर आज तक आप निरंतर इस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 से आपको लगातार तीसरी बार जीत मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के अध्यक्ष के रूप में भी आप हर कदम पर नए प्रतिमान व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में हरियाणा एक अलग प्रदेश बनने से लेकर अब तक इस महान सदन ने प्रदेश की जनता के हितों, आशाओं एवं आकांक्षाओं का बखूबी प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पड़ाव देखे हैं। उस समय के अति पिछड़े राज्य के से वर्तमान के आधुनिक हरियाणा की यात्रा के सभी प्रभावी संकल्प इसी सदन में लिए गए हैं। यहीं से सभी माननीय सदस्यों के सहयोग व सुझावों से ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बने हैं जिनसे हमारे हरियाणा की एक केवल राष्ट्रीय वर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अनूठी पहचान बनी है। यह विधानसभा अनेकों अनेक महानुभावों के विचारों, सिद्धांतों, कार्यों व आचरण की साक्षी रही है, जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर में आदर्श व्यवहार की स्वच्छ व प्रगतिशील परंपराएं स्थापित की हैं। इस दौरान कई बार इस महापंचायत ने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया है और उन सब पर विजय भी पाई है। आज मैं उन सभी महापुरुषों और अनेक उनके योगदान को श्रद्धा से याद करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। अपने अनुकरणीय आचरण और निस्वार्थ सेवा भाव से उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ियाँ हरियाणा को और प्रगतिशील बनाने में सफल होंगी। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम
में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों ने निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वीं लोकसभा के आरंभिक सत्र में कहा था कि हम संख्या के बल के आधार पर नहीं, हम सबको विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य हमारे लिए आदर्श रहेगा। इस सदन की हर बैठक में यह हमारा भी मूल मंत्र रहेगा। यह तथ्य है कि हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है, लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सदन केवल एक भवन या सभागार या सिर्फ चार दीवारें नहीं है। यह महान सदन हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का हृदय एवं मस्तिष्क केंद्र है और हम सभी इसी जनता जनार्दन के हितों के ट्रस्टी हैं। इस सदन की कार्रवाई और हमारा यहाँ आचरण जनमानस में लोकतंत्र की निष्ठा को मजबूत और प्रबल बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके संरक्षण में सभी माननीय सदस्य पूरे प्रदेश में इस भाव को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 15वीं विधानसभा के 90 सदस्यों में से 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं। जहां एक और नए सदस्यों को पुराने सदस्यों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं नए सदस्यों की ऊर्जा व उत्साह से पुराने सदस्यों को भी प्रेरणा लेने के अवसर मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को बोलने का पर्याप्त अवसर अवश्य दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि नए सदस्य जल्दी से सदन के नियमों व परंपराओं का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर इसका पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिलाएं सदस्य चुनकर आई थी। यह हर्ष की बात है कि इस बार यह संख्या 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। मैं मातृशक्ति के बढ़ते प्रतिनिधित्व का स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समूचे सदन की तरफ से व मंत्रिमंडल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन में हम लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर दिन हर पल सदन की गरिमा बनाए रखने में हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपके चेहरे की सतत मीठी मुस्कान और आपके व्यवहार की सतत शालीनता से पूरा प्रदेश वाकिफ है, परंतु इस उद्देश्य के लिए यदि किसी सदस्य को आप कभी रोकेंगे, टोकेंगे या दृढ़ता से कहेंगे तो हम सभी उसका भी स्वागत करेंगे। यदि आप किसी भी सदस्य द्वारा नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं या व्यवस्था में कोई बाधा आती देखते हैं तो आपको पूरा हक है कि उसे टोकें और जरूरी हो तो कोई सख्त निर्णय भी लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की जनता का हमें तीसरी बार चुनने के लिए भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमें इस ऐतिहासिक जनादेश में छिपे और अधिक जनसेवा की भी बढ़ी हुई जिम्मेवारियों का पूरा एहसास है। जनता की हमसे आज बहुत अपेक्षाएं, आशाएं व आकांक्षाएं हैं। हम सबका दायित्व है कि हम इन सभी को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं कि अब हमें नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए 3 गुना रफ्तार से काम करना होगा। मैं मानता हूं कि इस काम में सफल होने के लिए विपक्षी भाइयों व बहनों का भी बड़ा योगदान रहेगा। विपक्ष से जनहित में जो भी सुझाव हमें मिलेंगे, हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे।
हम पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि सदन में हर वार्ता सकारात्मक हो, सब विषयों पर संवाद हो और मिलजुल कर ही निर्णय लिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हरियाणा की 15वीं विधानसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन और नूतन विचार की सभा हो, जिसमें उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित हों, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति भी अभिव्यक्ति हो, प्रदेश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा और संवाद हो। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के इतिहास में जब इस सदन का वर्णन होगा तो आपकी अध्यक्षता में इस 15वीं विधानसभा के प्रकल्पों की भूमिका स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसा सामर्थ्य एवं शक्ति दे कि हम हमेशा संविधान के महान निर्माताओं के स्मरण करते हुए प्रदेश हित में लोक कल्याण की ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित पीड़ित व वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष महोदया जी को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और प्रदेश को विकास की नई दिशाओं के मार्गदर्शन करने वाले इस महान सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।